नमस्कार दोस्तों, आज का विषय यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय है। आज हम इसका भाग दो पढ़ेंगे। जहां हमने पिछले भाग में समाप्त किया था, वहीं से प्रारंभ करेंगे। सूची अर्थात इंडेक्स। आज हम यूक्लिड की अभिधारणाएं तथा यूक्लिड के प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। हमने दो अभिधारणाएं पिछले भाग में पढ़ी थी, तो अब अभिधारणा तीन। किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अभिधारणा चार, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अभिधारणा पांच, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलाकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। हम इस अवधारणा का उदाहरण भी आगे चलकर करेंगे। तो दोस्तों, अब समय होता है एक उदाहरण का। तो प्रश्न यह है कि यदि ए, बी और सी एक रेखा पर स्थित तीन बिंदु हैं और बी बिंदुओं ए और सी के बीच में स्थित है, जैसा कि आकृति में दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि AB जोड़ BC बराबर AC होता है। अब चलिए हम इसका हल करते हैं। उपर्युक्त आकृति में AB जोड़ BC के साथ AC संपाती है। साथ ही यूक्लिड का अभिगृहित चार कहता है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। अतः यह सिद्ध किया जा सकता है कि AB जोड़ BC बराबर AC। ध्यान दीजिए कि इस हल में यह मान लिया गया है कि दो बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। तो इसका हल भी सरल एवं आसान था। हम आगे चलकर कुछ कठिन प्रश्न भी करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा है, यूक्लिड ने अपनी अभिधारणा और अभिगृहित को देने के बाद इनका प्रयोग अन्य परिणामों को सिद्ध करने में किया। हम इन परिणामों को साध्य या प्रमेय कहते हैं। तो चलिए हम यूक्लिड के एक प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। इस प्रमेय को हम सिद्ध भी करेंगे। यहां हमें दो रेखाएं L और M दी हुई हैं। हमें यह सिद्ध करना है कि L और M में केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ है। थोड़े समय के लिए हम यह मान लेते हैं कि दो रेखाएं दो भिन्न बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार दो भिन्न बिंदुओं P और Q से होकर जाने वाली आपके पास दो रेखाएं L और M हो जाती हैं। परंतु यह कथन अभिगृहित 5.1 के विरुद्ध है, जिसके अनुसार दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अतः हम जिस कल्पना से चले थे कि दो रेखाएं दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाती हैं, वो गलत है। और इस प्रकार हम इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। अब मैं आप लोगों को इस पाठ का सारांश अर्थात समरी बताने जा रहा हूं। इस अध्याय में आपने निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन किया है।
यद्यपि यूक्लिड ने बिंदु, रेखा और तल को परिभाषित किया है, परंतु गणितज्ञों ने इन परिभाषाओं को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए ज्यामिति में इन्हें अब अपरिभाषित पदों के रूप में लिया जाता है। अभिगृहित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पनाएं हैं जो स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य होती हैं, इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता है। प्रमेय वे कथन हैं जिन्हें परिभाषाओं, अभिगृहितों, पहले सिद्ध किए गए कथनों और निगमनिक तर्कन द्वारा सिद्ध किया जाता है। यूक्लिड के कुछ अभिगृहित थे, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाति हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। एक ही वस्तुओं को दुगने परस्पर बराबर होते हैं। यूक्लिड की अभिधारणाएं निम्न थी। अभिधारणा एक, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अभिधारणा दो, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अभिधारणा तीन, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अभिधारणा चार, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अभिधारणा पांच, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंडाकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप में बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। तो इस प्रकार यह पाठ्य खत्म होता है। तो धन्यवाद दोस्तों।